दोस्तों, इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू करने वाला हूं भाई एक्सा केस E900 गेमिंग हेडफोन की। जी हाँ दोस्तों, पिछले काफी दिनों से मैं इस गेमिंग हेडफोन को टेस्ट कर रहा था और हमेशा की तरह भाई जो भी मेरी ऑब्जर्वेशंस निकल कर के आई है इस प्रोडक्ट के बारे में पिछले कुछ दिनों टेस्टिंग के दौरान, वो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर एकदम डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। तो भाई अगर आप 2000 रुपीज के बजट में एक बढ़िया गेमिंग हेडफोन अपने लिए लेने की सोच रहे हैं तो भाई गलती से भी इस वीडियो को बीच में स्किप मत करना, जरूर से इस वीडियो को अंत तक देख लेना। वैसे भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है जहां पर आप इक्सा ब्रांड की एक गेमिंग हेडफोन, एक जबरदस्त गेमिंग हेडफोन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जीत सकते हैं। भाई ज्यादा जानकारी के लिए आप उस गिव अवे वीडियो को देख सकते हैं, गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वीडियो का वो आपको भाई यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। वैसे मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं भाई, जो ये इक्सा का E900 गेमिंग हेडफोन है ना, इसकी जो साउंड क्वालिटी है ना, इसका जो बेस है ना, वो मुझे ज़्यादा पंची लगा इक्सा के भाई इस E800 गेमिंग हेडफोन के कंपैरिजन में। वैसे ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इन दोनों गेमिंग हेडफोन के कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं या फिर इक्सा के E900 गेमिंग हेडफोन का कंपैरिजन इक्सा के E900 प्रो जो कि इसका बड़ा भाई है उसके साथ देखना चाहते हैं एकदम डिटेल में, तो जरूर से मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना। हमेशा की तरह मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वो कंपैरिजन वीडियो लेकर के आने की। तो भाई चलिए बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को आप शुरू करते हैं, और फटाफट से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको भी इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। तो भाई आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के बॉक्स में ये जो हेडफोन है हमें देखने को मिलता है। बॉक्स में एकदम सामने की तरफ ही हमें इक्सा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और ठीक इसी के साइड में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि भाई 24 मंथ्स की वारंटी हमें इस गेमिंग हेडफोन में देखने को मिलती है। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है भाई गेमिंग हेडसेट, और ठीक इसी के राइट हैंड साइड एकदम नीचे की तरफ मेंशन कर रखा है E900 जो कि भाई इसी हेडफोन का मॉडल नेम। और ये बॉक्स के एक साइड हमें खाली इक्सा की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और एक साइड में हमें इनकी जो भाई टैगलाइन है ना, ब्रिंग टेक टू गेम लाइफ, वो देखने को मिल जाती है। और बॉक्स से एकदम पीछे की तरफ हमेशा की तरह कुछ डिटेल स्पेक्स कंपनी ने मेंशन कर रखी है जिसके बारे में मैं आपको हमेशा की तरह डिटेल में वीडियो में आगे चल करके बताई दूंगा। तो चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं और भाई देखते हैं क्या क्या बॉक्स कंटेंट हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो भाई बॉक्स को ओपन करते साथ ही एक तो हमें ये ब्लैक कलर के कैरी पाउच के अंदर हमारा गेमिंग हेडफोन देखने को मिल जाता है सबसे पहले, और एक ये पैकेट देखने को मिल जाता है जहाँ पर भाई इन्होंने कुछ एसेसरीज और पेपर वर्क दे रखा है। आप देख सकते हैं इस पैकेट के अंदर भाई हमें एक तो ये कार्ड देखने को मिल जाता है जहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि अगर आप इनके प्रोडक्ट को भाई परचेज करने के बाद इनको अमेजन वगैरह में रिव्यू देते हैं तो बदले में आपको कुछ गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं। इसके अलावा भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक और कार्ड देखने को मिल जाता है जहाँ पर इन्होंने कुछ अपनी वारंटी के बारे में बता रखा है कि कैसे आप इनके प्रोडक्ट की वारंटी क्लेम कर सकते हैं इनके प्रोडक्ट को इनके ऑफिशियल वेबसाइट में रजिस्टर करवा करके। और भाई इसके अलावा एक यूजर मैनुअल गाइड देखने को मिल जाती है हमेशा की तरह, जो कि भाई मुझे पता है आप में से कोई नहीं पढ़ने वाला, और वैसे भी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको इसको रीड करने की नीड पड़ने बनी वाली। तो चलिए इसको पटक देते हैं हम ऐसे साइड में, और आप देख सकते हैं भाई इस पैकेट के अंदर हमें एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, और यार एक और छोटा पैकेट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जिसमें हमें अलग से ये जो फिल्टर कैप है जो कि नॉइज प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली, वो देखने को मिल जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें गोल्ड प्लेटेड 3.5mm जैक इसमें देखने को मिल जाता है। और अगर बात करूँ भाई मैं इस माइक की बिल्ड क्वालिटी की, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, एकदम आसानी से आप इसको अपने माउथ के आसपास किसी भी डायरेक्शन में एडजस्ट कर सकते हैं, ओमनी डायरेक्शनल टाइप वाला माइक्रोफोन ये है, तो मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। और भाई आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ हमें ये जो फिल्टर कैप है ये इस तरीके से लगा सकते हैं, इसको लगाने के बाद थोड़ा बहुत नॉइज़ वगैरह में जो है ना, जो एम्बिएंट नॉइज़ होता है उसमें थोड़ा बहुत फर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। वैसे इसका जो माइक सैंपल है ना, इसकी साउंड रिकॉर्डिंग जो क्वालिटी है वो मैं आपको डेफिनेटली वीडियो में बीच में कहीं टेस्ट करवाने वाला हुई। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसी पैकेट के अंदर भाई हमें हमेशा की तरह इस बॉक्स के अंदर एक ये ऑडियो स्प्लिटर केबल देखने को मिल जाती है, जो कि यार इक्सा कंपनी की मुझे काफ़ी अच्छी बात लगती है, हमेशा अपने हर हेडफोन में ये जो एक की छोटी सी एसेसरी है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकती है किसी के लिए भी, वो हमें बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाती है। इसके थ्रू भाई अगर आपके लैपटॉप में कॉमो ऑडियो जैक नहीं है, मतलब माइक्रोफोन का एक सेपरेट ऑडियो जैक है और एक हेडफोन के साउंड के लिए सेपरेट ऑडियो जैक है, तो आप इसकी हेल्प से अपने लैपटॉप में इस हेडफोन को आराम से यूज़ कर सकते हैं। भाई अब मैं फिलहाल चलो इसको भी रखता हूँ साइड में, दो कई सारी एसेसरीज के बारे में बात। अब अगर मैं बात करूँ फाइनली भाई हमारे गेमिंग हेडफोन की, तो भाई आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के कैरी पाउच के अंदर हमें ये हेडफोन देखने को मिल जाता है। और भाई कैरी पाउच की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, एकदम बढ़िया बिल्ड क्वालिटी का कैरी पाउच हमें देखने को मिल जाता है। तो भाई अगर आप अपने हेडफोन को कहीं इधर उधर कैरी करके ले जाना चाहते हैं तो आप इजीली इसके अंदर डाल करके ले जा सकते हैं, आपके उसमें बिल्कुल भी स्क्रैच वगैरह की मतलब कोई डैमेज वगैरह होने की जो टेंशन है ना नहीं रहेगी।
फिलहाल आप देख सकते हैं फाइनली हमें कुछ इस तरीके का भाई ये जो हेडफोन है ना देखने को मिल जाता है। और ये वैसे E900 Pro का जो लुक एंड डिजाइन है ना सेम टू सेम हमें वही लुक एंड डिजाइन देखने को मिलता है, बस इसके जो ये आर्म्स है ना यहाँ पर ब्लैक कलर की बजाय इन्होंने एक अच्छी प्रीमियम रेड फिनिशिंग हमें दे दी है, रेड कलर की मतलब टचिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। खैर यार मैं इस वीडियो के अंदर E900 Pro के बारे में तो कुछ बात नहीं करने वाला, अगर आप चाहते हैं कंपैरिजन वीडियो देखना तो मुझे कमेंट करके बता देना, उसके लिए एक डेडिकेटेड डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो में लेकर के आ जाऊंगा। फिलहाल अगर मैं बात करूं मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो इसका जो वेट है ना मुझे मतलब बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगा, एकदम ठीक वेट है। अगर आप लॉन्ग टाइम गेमिंग करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, आपको लॉन्ग टाइम गेमिंग के टाइम में कोई भी मतलब अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं बात करूं भाई इसकी कुशनिंग के बारे में तो आप देख सकते हैं इसके जो ये ईयर कप्स हैं यहाँ पर एक तो हमें ओवर ईयर हेडफोन वाले ईयर कप्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी जो लेंथ है ना जो इनसाइड ईयर कप्स की लेंथ की अगर मैं बात करूं तो हमें 6 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर के बीच में लगभग देखने को मिल जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं। और जहाँ तक बात है इनकी कुशंस की तो इनके जो कुशंस है ना मुझे इतने ज़्यादा सॉफ्ट इस बार देखने को नहीं मिले, कुशंस अगर थोड़े ज़्यादा और सॉफ्ट होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन भाई फिर भी जिस प्राइस पॉइंट पर ये आ रहा है तो इसमें मुझे ज़्यादा शिकायत कुछ नहीं करने वाला। ओवरऑल अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक पहनते हैं इसके ईयर कप्स इतने तो सफिशियंट हैं ही कि आपको मतलब बिल्कुल भी पेन वगैरह की शिकायत तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाली। और भाई जहाँ तक बात है इसके हेडबैंड की तो भाई यहाँ पर तो इन्होंने अच्छी सॉफ्ट स्पंजी कुशनिंग जो है वो दे रखी है, यहाँ पर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगी। और ऊपर की तरफ एम्बोसमेंट में हमेशा की तरह इनके हेडबैंड में हमें एक सर की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। और भाई अगर मैं बात करूँ इसके लुक एंड डिज़ाइन की तो आप देख सकते हैं इसका जो लुक एंड डिज़ाइन है ब्लैक और रेड कलर की कॉम्बिनेशन में आता है, और यहाँ पर इन्होंने रेड कलर के आर्म्स देख करके मतलब रेड कलर का जो ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा ले लिया है, काफ़ी अच्छी रेड कलर की यहाँ पर हमें शाइनिंग देखने को मिल जाती है इसके आर्म्स में। भाई इसके जो ये आर्म्स है E900 Pro की बिल्ड क्वालिटी वाले ही हैं, मतलब यहाँ पर भी इन्होंने प्लास्टिक की यूज़ नहीं करे, कुछ मतलब मेटल टाइप में देखने को लग रहे हैं। और यार एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये जो ईयर कप्स में आप इक्सा का लोगो देख रहे हैं ना E900 Pro में हमें यहाँ पर LED लाइट देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर हमें E900 वाले मॉडल में कोई LED लाइट देखने को नहीं मिलती। तो यार आप ये कन्फ्यूजन अपने माइंड में मत ना रखना कि हमें इस हेडफोन में कोई LED लाइट देखने को मिलने वाली है। और यार जहाँ तक बात है भाई इसकी कंफर्टनेस की तो आप देख सकते हैं इसका जो ये हेडबैंड है आप इसके आर्म को इस तरीके से ऊपर नीचे करके अपने हेड के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, एकदम स्मूथली वर्क करता है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली। और भाई इसकी जो ईयर कप्स है ना ये ऊपर नीचे इस तरीके से एकदम टिल्ट हो जाते हैं, और थोड़ा बहुत ये इस तरीके से लेफ्ट राइट भी हल्का सा मूव होते हैं, वैसे ही पूरे फ्लेक्सिबल है, तो आपको इसमें कोई भी मतलब ड्यूरेबिलिटी को लेकर के टेंशन नहीं रहने वाली। और जहाँ तक बात है भाई इसके क्लैंपिंग फोर्स की तो आप देख सकते हैं एकदम ठीक क्लैंपिंग फोर्स हमें इसमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा नॉइज आइसोलेशन हमें देखने को मिल जाता है जब हम इसको पहनते हैं। भाई पहनने के बाद एकदम अच्छे से आपके कान इसके अंदर चले जाते हैं ईयर कप्स के। और जहाँ तक बात है भाई इसके नॉइज आइसोलेशन की तो उसकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लगी, उसमें मुझे कोई शिकायत देखने को नहीं मिली, काफ़ी अच्छे से जो नॉइज है ना बाहर के एनवायरनमेंट की वो सप्रेस कर देता है। और अगर जहाँ तक बात है भाई इसकी कुछ कनेक्टिविटी पोर्ट्स की वायर की तो भाई आपको मैं बता दूं इसका जो लेफ्ट ईयर कप है इस हेडफोन का यहाँ पर हमें एक तो ये 3.5mm जैक वाली वायर देखने को मिल जाती है जो कि मतलब डिटैचेबल नहीं है, एकदम फिक्स रहती है, इसमें इनबिल्ट वायर हम बोल सकते हैं। और ठीक इसी के साइड में हमें 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप इसके माइक्रोफोन को बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बेनिफिट ये मिल जाता है इसका जो माइक्रोफोन है ये डिटैचेबल है, अगर आप मतलब कहीं बाहर म्यूजिक वगैरह के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं तो उस पर्पज़ के लिए भी कर सकते हैं, माइक्रोफोन को निकाल करके म्यूजिक को इन्जॉय कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। और पहनने के बाद एक मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, कूल लुक यहाँ पर दिया गया है। और अगर मैं बात करूँ भाई अब इसकी वायर की बिल्ड क्वालिटी की तो वायर की बिल्ड क्वालिटी मुझे ठीक लगी, हालांकि यार यहाँ पर ब्रेडेड वायर नहीं दी गई है लेकिन फिर भी वायर काफ़ी अच्छी है, मोटी है, मतलब आसानी से डैमेज होने नहीं वाली, एकदम टैंगल फ्री वायर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इसकी वायर में है ना हमें यहाँ पर एक तो 3.5mm जैक वाला कनेक्टिविटी पोर्ट देखने को मिलता है जो कि गोल्ड की प्लेटिंग के साथ में आता है, और यहाँ पर हमें एक कंट्रोलर भी देखने को मिल जाता है जहाँ से आप इसके माइक्रोफोन को म्यूट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं मतलब, और एक वॉल्यूम व्हील देखने को मिल जाता है जहाँ से आप इसकी वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। और भाई ये हमें सेम टू सेम इक्सा के जो E900 वाला पुराना मॉडल था ना जैसा कि मैंने अपनी लास्ट गिवअवे वाली वीडियो में बताया था वही देखने को मिलता है। और भाई लगभग 7 फीट 3 इंच की वायर की लेंथ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है जो कि मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है किसी भी गेमिंग सेटअप के लिए। तो भाई ये तो कोई बात इसकी वायर के बारे में, हेडफोन के बारे में। अब अगर मैं फाइनली बात करूँ भाई इसके माइक टेस्ट के बारे में तो मैं आपको फटाफट एक बार इसके माइक की वॉइस रिकॉर्डिंग क्वालिटी जो है वो टेस्ट करवा देता हूँ। तो दोस्तों इस समय आप जो मेरी वॉइस सुन रहे हैं भाई वो इक्सा के इस E900 गेमिंग हेडफोन के माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। अब आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसी साउंड क्वालिटी भाई आपको इसमें सुनने को मिल रही है। वैसे आप देख सकते हैं अगर मैं इसके माइक्रोफोन को अपने माउथ के एकदम पास इस तरीके से दूर पास लेकर के जा रहा हूँ तो आपको मेरी वॉइस में कितना मतलब अप एंड डाउन सुन रहा है, कितनी जो वॉल्यूम है उसमें कितना डिफरेंस आपको देखने को
मिल रहा है, जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। वैसे इस समय जो रूम का फैन है ना भाई, वो ऑफ है, तो आपको नॉइज कैंसिलेशन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगने वाला। बस बाहर थोड़ी बहुत ट्रैफिक की नॉइज है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो सकता है लग जाए। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ भाई, नॉइज कैंसिलेशन के मामले में इतना कुछ खास मुझे ये माइक्रोफोन नहीं लगा इसका, क्योंकि भाई ज्यादा लाउड साउंड कैप्चर करने की वजह से थोड़ी बहुत डेफिनेटली नॉइज ये जो है कैप्चर कर लेता है। जो रूम में एक नॉइज का लेवल रहता है, जो एम्बिएंट नॉइज रहती है एक रूम में, वो मतलब ज्यादा अच्छे से यार ये सप्रेस नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी अगर आपके रूम में नॉइज नहीं है तो भाई इसका माइक्रोफोन आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया से काम करेगा, एकदम लाउड साउंड आपकी कैप्चर कर लेगा। वैसे आप बताना मुझे आप वीडियो के नीचे कमेंट करके कि आपको ओवरऑल इसके माइक्रोफोन की जो साउंड रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो कैसी लगी। और भी अब अगर मैं बात करूँ फाइनली इस गेमिंग हेडफोन की भाई साउंड क्वालिटी के बारे में, साउंड आउटपुट के बारे में, तो यार देखिए इसका जो बेस है ना भाई वो पंची है। अगर आप एक ऐसा गेमिंग हेडफोन ढूंढ रहे हैं जिसका बेस जो थोड़ा पंची हो, तो आप डेफिनेटली इसको प्रेफर कर सकते हैं। और मिड्स और हाइज भी भाई ये काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है। और अगर मैं बात करूँ मतलब खाली और खाली डायरेक्शनल साउंड के बारे में इस गेमिंग हेडफोन के, तो भाई देखिए गेमिंग हेडफोन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक डायरेक्शनल साउंड को सुनना। मतलब एनिमी किस डायरेक्शन से मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन से यार फायरिंग हो रही है, किस डायरेक्शन में एनिमी क्रॉल कर रहा है, आप मतलब डायरेक्शनल साउंड को अच्छे से सुनकर के एनिमीज को स्पॉट कर पाएंगे। उसमें आपको कोई भी ऐसा खास इशू देखने को नहीं मिलने वाला। कोई ओवरऑल इसकी जो प्राइस के हिसाब से साउंड क्वालिटी है ना, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और भाई 2300 रुपीज़ के आसपास इसका जो प्राइस है ना अमेजन में आपको देखने को मिल जाएगा, आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप इक्सा की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको गीकी रिशॉप कूपन अप्लाई करके बाय करते हैं, तो आप थोड़ा अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। और ऊपर से तो इनका फ्री हेडफोन स्टैंड वाला ऑफर चल रहा है ना, जैसे कि मैंने आपको अपनी एक्सा के एयरजॉर प्रो की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो में डिटेल में बताया था एकदम, तो आपको वो भी इसमें मिल जाता है बॉक्स के अंदर ही। ज़्यादा जानकारी के लिए भाई आप एक्सा के एयरजॉर प्रो की वीडियो जो है वो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। यहाँ पर आई बटन में गिव अवे वीडियो के साथ साथ में भाई उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, तो आप जाइए फटाफट से गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लीजिए। एयरजॉर प्रो की अगर आपको वीडियो देखने तो आप देख सकते हैं सब कुछ डिटेल में जानने के लिए कि कैसे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से गीकी रिशॉप कूपन को अप्लाई करके जो प्रोडक्ट है इसमें जो फ्री हेडफोन स्टैंड वाला ऑफर है उसको मतलब अवेल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डिस्काउंट ले सकते हैं। और भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो फटाफट से भाई इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।